हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ गर्मियों की एक खास रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि एक नो कुकिंग और नो कस्टर्ड पाउडर रेसिपी है, जिसमें मैंने किसी भी कस्टर्ड पाउडर का यूज़ नहीं किया है। इसे मैंने सबके मनपसंद फल आम के साथ बनाया है, जो कि एक लेस शुगर, टेस्टी और रिफ्रेशिंग कस्टर्ड रेसिपी है। इसे आप डाइट और वेट लॉस में भी विदाउट एनी गिल्ट इन्जॉय कर सकते हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा। हमारे नो कुकिंग मैंगो कस्टर्ड के इंग्रेडिएंट हैं एक पका हुआ आम। इसमें जब भी आप बनाइए रेसिपी तो आम को बिल्कुल पका हुआ यूज़ करें। थोड़ा सा चॉप किया हुआ मैंगो, थोड़ी स्ट्रॉबेरी चॉप कर ली बारीक, थोड़े से ब्लैक वाले अंगूर, थोड़े से ग्रीन वाले अंगूर। मैंने इसमें अपनी पसंद के फ्रूट्स लिए हैं, आपके पास जो फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक कप दूध, 4 टेबल स्पून खांड, थोड़ी सी पिस्ते की कतरन, वनीला एसेंस। सबसे पहले हम अपने मैंगो को पील करके इसको ग्राइंडर में डाल के इसका पल्प बना लेंगे। इसके बाद अपने जार में हम 2 टेबल स्पून खांड ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें इसीलिए आपसे पका हुआ आम यूज़ करने के लिए कह रही थी, क्योंकि पका आम में पके हुए आम में अपनी एक स्वीटनेस होती है, तो उसमें ज़्यादा शुगर आपको ऐड नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद इसमें जो जितना हमारे पास मिल्क था उसका आधा मिल्क इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें रिफाइंड शुगर की जगह खांड यूज़ की है, क्योंकि खांड को प्रोसेस नहीं किया जाता, वह प्रोसेसिंग शुगर नहीं होती है। इसलिए आप जब भी कोई भी यूज़ करें तो खांड का यूज़ करें किसी भी डिज़र्ट में। फ्रेंड्स देखिए, इतना थिक पेस्ट बन गया है ये। अभी ये काफ़ी थिक लग रहा है, इसलिए अभी हम इसमें दूध मिला के इसकी थिकनेस को एडजस्ट करेंगे। जितना थिक आप कस्टर्ड पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप दूध इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लिक्विडी पसंद करते हैं तो दूध थोड़ा ज़्यादा एडजस्ट कीजिए, अगर कम करते हैं तो दूध थोड़ा कम डालिए। इसी टाइम हम इसमें 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस भी ऐड कर देंगे। वनीला एसेंस इसे एक कस्टर्ड वाला अच्छा फ्लेवर देगा। इसको बंद करके दोबारा एक बार ग्राइंड करेंगे। देखिए, हमारे मैंगो कस्टर्ड का टेक्सचर इस तरीके का हो गया है। अब हम इसे एक कंटेनर में शिफ्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें अपने फ्रूट्स ऐड करने स्टार्ट करते हैं। इसमें से आधे आधे फ्रूट्स हम ऐड करेंगे, आधे हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। और इसको मिक्स देंगे। अब हम इसे एक सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर देंगे।
उसके बाद जो हमने कटे हुए फ्रूट्स बचाए थे उससे इसको गार्निश कर देंगे। इसके बाद हमने जो पिस्ते को चॉप करके रखा था वो ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। फ्रेंड्स, इस मैंगो कस्टर्ड को हमेशा चिल्ड ही सर्व करें। हमारा मैंगो कस्टर्ड रेडी है, जिसे हमने बिना कुकिंग और बिना कस्टर्ड पाउडर के बनाया है।